लोग ने नाइट स्टे वहाँ ऊपर किया था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक और नए ब्लॉग का। फिलहाल हम लोग हैं जमशेदपुर में और यहाँ से चल रहा है पुरी, क्योंकि नाइट का स्टे हमने यहाँ किया था और यहाँ से निकलते हैं सीधे पुरी के लिए। तो आप लोग एक्साइटेड है? अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल से नहीं जुड़े तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। कल रात हमने ये रूम लिया था, ये सेकेंड बेड है, यहाँ चेयर है, इधर बालकनी भी है पूरा, यहाँ एसी भी लगा है, टीवी भी है, मिनी फ्रिज भी है, बहुत अच्छा रूम है पूरा। बालकनी व्यू भी बहुत ही शानदार है इसका। हिल व्यू होटल एंड रिजॉर्ट है और इनका कुछ ऐसा है पूरा। ये हमने कल रात में ये सूप, नूडल सूप ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा लगा था। और बाकी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, खाने के लिए पूरी अवेलेबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं, बाकी बहुत सही है। लेमन टी भी मिला था और पानी भी। और कॉस्टिंग की बात करें तो हमें मिला था 4,300 में और साथ में अभी ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट भी करते हैं और यहाँ से फटाफट निकलते हैं, क्योंकि अभी लगभग हमें 450 किलोमीटर और ट्रैवल करना है। और दोस्तों यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल यहाँ का होटल का कितना शानदार व्यू है, पीछे लोकेशन और यहाँ का गार्डन पूरा, और वो सामने रेस्टोरेंट एरिया है और पूरा ये होटल ही है जहाँ हम लोग ने नाइट में स्टे किया था। और अब यहाँ से चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिलहाल नीचे पार्किंग में गाड़ी लगी हुई है और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए होटल का व्यू कितना शानदार है। और फिलहाल हम लोग ने नाइट स्टे वहाँ ऊपर किया था, बहुत ही कमाल का है। फिलहाल टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का, उसके बाद से फिर करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलिए अब यहाँ से चलते हैं, टाइम हो गया निकलने का सीधे पुरी के लिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बाबा। में आ गए हैं और यहाँ से चलते हैं पूरी, देखते हैं कितनी देर में और पहुँचेंगे। फिलहाल रास्ते तो बहुत अच्छे हैं। ये हम लोग कटक से निकल रहे हैं और यहाँ पे भुवनेश्वर और 20 किलोमीटर है, पूरी 80 किलोमीटर होगा, चलते हैं आगे। तो पूरी पहुंच गए हैं लगभग और 2 किलोमीटर है। हेलो दोस्तों, हम लोग ने रूम ले लिया है होटल श्री जगन्नाथ करके, ये सामने होटल है और यहाँ गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। तो फिलहाल चलते हैं होटल में। तो अब हम लोग रेडी हो गए हैं, चलते हैं नाइट लाइफ देखते हैं जगन्नाथपुरी का और यहाँ का लोकल दिखाते हैं आपको। उधर तो बीच है सामने, ये बीच है लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है समुद्र। बाकी यहाँ क्राउड तो सही है, पूरा लाइटों से एकदम जगमगा रहा है। और ये मरीन ड्राइव करके रोड है, यहाँ स्वीट्स के भी दुकानें हैं। चलिए आपको और चलते हैं दिखाते हैं। रात में समुंदर का नज़ारा देखिए कुछ ऐसा है, कुछ वैसे तो दिख नहीं रहा होगा। फिलहाल सुबह होता है तो मैं अच्छे से दिखाता हूँ। रात में यहाँ बहुत क्राउड रहता है और यहाँ पे आप हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ पे भेल पूड़ी खा सकते हैं बनवा के। यहाँ पे कैमल राइडिंग होता है, बैठोगी? बीच के किनारे बहुत से शॉप है, आप अलग अलग चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हैं।
इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपना सहमति दिखाइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल से अभी जुड़ जाइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।